हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा यहाँ पे सेकंड डे है और आज है दिव्यांशी का बर्थडे। तो आज सुबह से लेकर शाम तक का पूरा दिखाएंगे आपको क्या क्या होने वाला है। सो आज सोमवार है तो मम्मी लोगों का फास्ट है, तो मेरा तो नहीं है, मयूर का भी नहीं है, बाकी किसी का नहीं है, सिर्फ मम्मी का। तो मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ मंदिर, साथ में मयूर भी चलेंगे और लविशा भी चलेगी। दिखा रही हूँ आप लोगों को, जल्दी से तैयार हो जाओ। ड्राइवर तैयार है, मेरी तैयार है, इसको ऐसे तैयार करना पड़ता है। देखो मैं बेटा पुची तो सुंदर लग रही है ना बाबा, चाचा नहीं, तो छोटे पापा है, चाचा तो या यशु तो बैग दे नहीं, ऐसे चाचा यशु जैसे यशु चाचा वाली चीज। हाँ। ये छोटे पापा, ये छोटे पापा बट छोटी मम्मा। माँ बोल प्लीज, माँ एक बार बोल दे मेरे बच्चों। माँ देखा, हम भी माँ बाप बन चुके हैं, हम भी माँ बाप, माँ बाप तो बन चुके हैं। मुझे खाने का रही खड़े का प्यारी कर रही है, पिटी पिटी होगी ऐसे जोर जोर से। अभी तो इतना लड़की जय करो, जय जय करो जल्दी। जाओ यहाँ पर वो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये रास्ता बन गया है चलने के लिए, ये नया रास्ता। यहाँ पर का छोटा सा मंदिर भी बनेगा और ये भोले बाबा की मूर्ति। पूजा हमारे हो चुकी है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यार, देखो कितना मस्त लग रहा है। और उधर लविशा को हमने बूबू के साथ बैठा रखा है, चुपचाप वहाँ बैठ भी गई बेचारी। तो मम्मी और मयूर जा रहे लविशा को लेने के लिए, और देखो लविशा कितने प्यार से बैठी है, अगर अभी हमारे गोद में होती ना पक्का रो रही होती। लवी यही छोड़ जाए आपको, यही छोड़ जाए आपको, बूबू के साथ ही बैठना। हाँ मंदिर से हमारा घर सिर्फ इतना दूर है, ये हमारा घर है, ये मंदिर है। अब हम लोग जा रहे हैं घर को, हम लोग लविशा को ना उधर ही छोड़ के आ गए। एक्चुअली
नविशा गाने का मन नहीं कर रहा था तो हम बुबू के पास ही छोड़ के आ गए। अभी बुबू थोड़ी देर में ले आएंगे पूजा भाभी के पास। अच्छा पूजा भाभी के पास छोड़ के आ गए और पूजा भाभी के लिए भी थोड़ी देर में मैं वापस लौट आ जाऊंगी नविशा को। सो गाइस मैंने नाश्ता बना दिया था तो अभी हम लोग खाएंगे मैगी एंड रोटी। आ जाओ ये फोन चाहिए लो फोन चाहिए आ जाओ फिर आ जाओ फोन देना। हेलो 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 हाय लविशा कैसे हो बेटा कान भी लगाओ। हाय लविशा हेलो कान भी लगाओ। हाँ कैसे हो। सुबह से बहुत ज्यादा थक गए अभी 3 बजने वाले हैं और मैंने रूम की सफाई कर दी है क्योंकि डेकोरेशन यही होने वाला है। इस रूम पे एकदम चकाचक बना दे एक बार आपको भी दिखाती हूँ। ये पूरा रूम नीट एंड क्लीन कर दिया मैंने। सो अभी डेकोरेशन वगैरह सब यहीं पे होगा। मयूर और दीपेश गए हैं रानीखेत केक वगैरह लेने के लिए। बाकी थोड़ी देर मैं आराम कर लेती हूँ क्योंकि सफाई की है ना थक गई हूँ। हाय आज दिव्यांशी का बर्थडे है ना हैप्पी बर्थडे थैंक यू बोलो। तो आज हम लोग अभी डेकोरेशन करने वाले हैं तो सारा सामान चाची लेके आ गई है। ना ये नहीं निकाला ये दिव्यांशी बेबी आप हो आप बने हैं ना ये भाभी रहती है ना बेबी जैसी हरकतें कर रही है ना। केक मैं ही काटूंगी ना बेटा ना दादी फ्रेंच फ्राइज मंगा रहे हैं यार ऊपर मैं घर ले जाऊं कुछ है छोटी प्लेट चलो फ्रेंच फ्राइज तो एक पैकेट और अगर मिलेंगे बैलून तो ला देना यार। एक पैकेट कौन सा वाला है शर्म नहीं आ रही है किसी की नजर ना लग जाए इनको शर्म नहीं आ रही है सास चाय बना के ला रही है। ये बिन्नी के आने में सासू मार के गालों में कतु ग्लो आ गई इसके लेने में तो चुरैन मुंह रखा था बेटा तू गरीब में मिल गया बेगा हाथ खाने खाने खिलाने की बात है तो गाइस सब लोग तैयार होने के लिए चले गए। डेकोरेशन हम लोगों ने कर दी है मैं भी मुंह हाथ धो के बाकी इन्हीं कपड़ों में रहने वाली हूँ क्योंकि मैं कपड़े ज्यादा लाई भी नहीं हूँ और डेकोरेशन हो गई है बाहर से धूप भी बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पे दिव्यांशी रेडी हो गई है दिव्यांशी की बेस्ट फ्रेंड भी आ गई है पियारू तो दोनों की सबसे पहले दोनों की फोटो ले लेते हैं ठीक है। आप तो अच्छे अच्छे पोज दे दो दोनों के दोनों गुड गर्ल्स हैप्पी बर्थडे बोलो दिव्यांशी को थैंक यू। तो थोड़े थोड़े करके सारे मेहमान आ रहे हैं और हम लोग अभी यहाँ पे चाय बना रहे हैं मैं और चाची। तो एक साइड बन रहा है हमारा अदरक पानी एक साइड हमारी चाय बन रही है और चाय भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है वो मैं कभी आप लोगों को बताऊंगी आराम से। सो गाइस सारे लोग आ चुके हैं और केक हमारा तैयार है थोड़ा सा यहाँ से ये टूट भी गया हल्का सा लाने में और आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी पूरी फैमिली वैसे पूरी फैमिली तो अभी भी नहीं आ रखी है पर जितने भी आ रखे वो आप लोगों को दिखाती हूँ ओके। मैं आपके आगे बैठ गई कोई बात नहीं आप भी साथ चलो चलो Oh
सबका फोटो सेशन हो चुका है और डांस वांस अभी बाहर चल रहा है और अभी हम लोग डांस करने जा रहे हैं। बाहर ना म्यूजिक की आवाज आ रही है इसलिए मैं बाहर जाके मतलब नहीं बना रही हूँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर डांस वांस करने के लिए। ओके आप लोगों ने मिस कर दिया। चलो यहाँ पर खाना सब होने लग गया है, हम लोग भी खाना खाते हैं। सास ससुर की एक्टिंग वाला डांस हो रहा था, यू मिस द शो। सो गाइस 11 बज चुके हैं, हम लोगों का डिनर हो गया है एंड हम लोगों ने बहुत ज्यादा डांस किया, बहुत मस्ती करी। मतलब बहुत टाइम बाद हम लोग ना फैमिली के साथ ऐसे दोबारा खूब इंजॉय कर रहे हैं, तो पुराने दिन फिर से ताजा हो गए। तो कल को हम लोग जा रहे हैं वंशु के बर्थडे पे और वहाँ पे भी फिर सेम इंजॉय करना है, तो कल के लिए रेडी हो जाओ। और आज का ब्लॉग फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।